बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में चादर आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत लंबी ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं मनाने लगी हूँ मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में न्याज। उसके लिए मैंने लिया है 8 लीटर दूध लिया है, यह अलबर का ही लिया है मैंने। इससे पहले मैं दूध को बॉयल करके, फिर चावल मैंने 1 किलो लिए, उन्हें मैंने भिगो के रखा हुआ है, फिर ब्लेंड करके तो वो इसमें शामिल कर दूँगी। दूध में इलायची डाल के इसे मैं पहले बॉयल कर लेती हूँ। ये दूध मैंने ना बॉयल होने के लिए रख दिया, अब इसमें इलायची डाल रही हूँ। इसके ना सिर्फ बीज ही डालूंगी मैं, ये छिलका नहीं डालूंगी। जब तक मेरा दूध बॉयल होता है मैं ना चावल ब्लेंड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मेरा दूध ना गर्म हो गया। अब मैंने इसमें ये एक बड़ा मग मैंने लिया है खुश्क दूध का, ये थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी ताकि इसके ना लम्स ना बने। साथ साथ चमचा हिलाती रहूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा दूध बॉयल हो गया। अब मैं इसमें ना ये जो चावलों का पेस्ट बनाया वो डाल रही हूँ इसमें। ना मैं इसे मिक्सर से हिला रही हूँ ताकि ना इसकी गुठलियाँ नहीं बने, साथ साथ मुसलसल हिलाती रहूँगी।
अल्हम्दुलिल्लाह जी देखो फील में इतना ठीक होना शुरू हो गई है। गुलाबी में सर्कल जा रही हूँ, थोड़ी सी और ठीक हो ले तो फिर एक महीना में चीनी डालूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी में ठीक हो गया, मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। इसे मिक्स करके अच्छे से एक दफ़ा टेस्ट कर लूँगी, अगर ज़रूरत ही तो और डाल दूँगी। थोड़ी सी ना ठीक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी खीर मेरी रेडी हो गई है। अब मैं ना चूल्हा बंद कर देती हूँ, थोड़ी सा इसे ठंडा होना होने देती हूँ, फिर इसे डिश आउट करते हैं। तो नज़र आऊँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह जी ये मेरी खीर रेडी हो गई है। इसे मैंने डिश आउट किया है, आप लोग इसकी फाइनल लुक चेक करें। अब ये मैंने प्लेटों में कुछ में डाली है, एक डब्बे में डाली है। अब मैं ना इन प्लेट्स में फिलिंग कर रही हूँ करके फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें बांटेंगे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जी ये अब मैं ना इन प्लेट्स में फिलिंग कर रही हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखेंगे हमने ना प्लेट्स में इसकी खीर की फिलिंग कर ली है, ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम इसे ना बच्चों को बुला के तो इसे बांट देंगे अभी थोड़ी देर में, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, कितनी प्यारी लुक आ रही है इसकी।